फ्रेंड्स, अभी हम हैं रांची का बाईपास रोड में और मेरा पीछे ये जो देख रहे हैं आप, इधर है हरमू चौक। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक एग्जीबिशन को दिखाने वाले हैं जो कि व्यापारिक जो है प्रदर्शनी है। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ये है सामने हरमू चौक है, वो जो सामने आप देख रहे हैं, ये बाईपास रोड है जो कि रातू रोड की ओर जा रहा है। और इसी बाईपास रोड से सटा हुआ मैदान है यहाँ पर, एक हरमू मैदान जिसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, हरमू चौक से सटा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है गांधी सिल्क बाज़ार 2022। और ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि रांची शहर में थोड़ा सा उपद्रव हो गया था मेन रोड में। ऐसे तो ये 10 तारीख से स्टार्ट होना था लेकिन लेट से स्टार्ट हुआ है, कितना दिन चलेगा देखा जाए। आज है 17 जून। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गेट वगैरह बना हुआ, 2 गेट है, उधर भी 1 गेट है। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर एंट्री पूरा फ्री है जो कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगने वाला है अंदर जाने का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये देखिए, इधर कारपेट वगैरह से स्टार्ट हो रहा है, कारपेट वारपेट है यहाँ पर। और इधर खादी उदी का कलेक्शन चल रहा है, देख सकते हैं ये सब। और बारिश का मौसम जैसा मौसम यहाँ बना हुआ है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रहा है लेकिन फिर भी देख सकते हैं शाम का टाइम में भीड़ उमड़ी है। ये सब काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पर कपड़ा है, इस तरफ कपड़ा का स्टोर है, अलग अलग कपड़े साड़ी और भी खादी वगैरह का है, ज़्यादातर आपको खादी का कलेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कपड़ा सब मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है। और इधर साड़ियों का है वगैरह, आप देख सकते हैं ये सब है। बिना पानी का कूलर, काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है। क्या प्राइस है? 4,500। 4,500 का प्राइस में ये बिना पानी का कूलर आप देख सकते हैं, बिना पानी का कूलर आपको देखने को मिल रहा है, 4,500 इसका प्राइस है। बहुत अच्छा है। कौन सा कपड़ा है? सिल्क कपड़ा सारा यहाँ पर, सिल्क कपड़ा का देख सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ यहाँ पर है, तौलिया से लेके साड़ी और कुर्ती वगैरह का कपड़ा सब सिल्क का। इधर भी है काफ़ी सारा कलेक्शन, आप देख पा रहे होंगे। कुर्ती 500 में दे रहे हैं, तो कलर खादी है, कॉटन है ज़्यादातर देख सकते हैं, शर्ट वगैरह है, बंडी है, लेडीज लोगों के लिए आप देख सकते हैं बैग वगैरह है, काफ़ी सारा प्रिंटेड ये सब डिजाइन किया हुआ है। बेडशीट वगैरह आप देख सकते हैं, अलग अलग अच्छा अच्छा प्रिंट का बेडशीट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर है जूती, अलग अलग देख सकते हैं आप, पूरा ये स्टॉल जूती का ही लगा हुआ है। ये इधर कुर्ती उर्ती का सेट है, इस तरफ आप देख सकते हैं सिल्क का साड़ी सब है, काफ़ी अच्छा अच्छा कलर है। और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको हैंडमेड मिलेगा, कॉटन है, कुर्ती है, साड़ी सब है। और ये सब जो एग्जीबिशन लगा है प्रदर्शनी, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर सामान हैंडमेड मिलता है, हाथों का काम किया हुआ रहता है। इस समय आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है, बेडशीट, कुर्ती और अलग अलग तरीके का क्लोथ आइटम। इस तरफ आप देख सकते हैं मंडी वगैरह है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इधर किचन का
आइटम सब है यहाँ पर, अलग अलग चीज़ आपको मिल जाएगा। कितना सारा आप देख सकते हैं। और इधर अचार सब आप देख सकते हैं, बहुत सारा अचार यहाँ पर दिख रहा है। ये हो गया अचार। फिर इधर फिर से कपड़ा का है, बेडशीट है, हैंडलूम हाथों से बना हुआ खादी का बेडशीट, यहाँ पर खादी कपड़ा का। कितना प्राइस का है? 800 रुपये का बेडशीट देख सकते हैं, बड़ा साइज का खादी का है, सारा हाथों का बना हुआ। और यहाँ पर कुछ सजावटी सामान सब है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं, घर पर सजावटी चीज़ें आप रखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरफ है गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए, आप देख सकते हैं जो ज्वेलरी और श्रृंगार से जुड़ा हुआ जो सामान होता है वो सब यहाँ पर है। ये पूरा लेडीज लोगों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेडीज लोगों के लिए, और एक स्टॉल में यहाँ पर ज्वेलरी आइटम सब रखा हुआ है। इधर खादी का ही है, खादी सिल्क ये सब कपड़ा का ही अलग अलग आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, खरीद सकते हैं आप। ये देख सकते हैं यहाँ पर कारपेट वगैरह भी है, घर के लिए आप ले सकते हैं। और सारा ये सब हैंडमेड यहाँ पर लाया गया है। ये जो एग्जीबिशन है आपको पिछले बार भी हम दिखाए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेडशीट लगा हुआ है। और इधर जेंट्स के लिए आप देख सकते हैं खादी वाला सब है, यहाँ पर बंडी है, कुर्ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ही जगह पर आपको घर का हर एक सामान मिलेगा, कपड़ा लेडीज जेंट्स का लेके किचन का आइटम, घर के लिए सजावटी सामान। इधर आप देख सकते हैं इधर पाचक टैबलेट वगैरह सब है, चूर्ण और पाचक माउथ फ्रेशनर वगैरह का स्टोर लगा हुआ है यहाँ पर। और कुर्ती वगैरह है आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितना अच्छा हाथों का काम इसमें किया गया है। जैसे जैसे शाम बीतता है तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटती है। ये एक लेडीज लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है। और इस तरफ जेंट्स के लिए कुर्ता वगैरह है खादी वाला। और इधर मनोरंजक खेल उल चल रहा है, काफ़ी भीड़ है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। सोनी नहीं दिया ना, यहाँ पर देख सकते हैं सब तोड़ कर ले जाएगा। आपको यहाँ पर बॉल को डालना है और ऊपर देख सकते हैं आप जो नंबर लिखा हुआ है वो वाला प्राइज मिलेगा। बॉल से जो भी आप नंबर जोड़कर आपको बनेगा वही वाला। इसके अलावा मार दिया जाए का 20 रुपया। इधर भी आप देख सकते हैं इधर बास्केटबॉल डाल के इसको गिनाना है और आपको इधर प्राइज वगैरह मिलेगा टांगा हुआ है। बॉल से आपको ग्लास को मिलाना है, गिरा देना है सारे ग्लास जो रखे हुए हैं। इस तरफ बंदूक से आप राइफल शूटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर फोड़ सकते हैं। मनोरंजन के लिए है बीच बीच में शॉपिंग के साथ साथ। चलिए इधर और दूसरा स्टॉल सब देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन का आइटम सब है इस जगह। और इधर है घर से जुड़े हुए सामान सब है अलग अलग, आप देख सकते हैं ये पूरा घर से जुड़ा हुआ सामान सब यहाँ पर दिख रहा होगा, किचन वाला और भी घर का अलग अलग चीज़ सब यहाँ पर मिल जाता है और मार्केट रेट से कम में भी मिल जाता है। और ये जो गांधी सिल्क बाज़ार है इसमें यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कितना सारा हाथ का काम किया गया है, ये सब सारा। काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेहनत किया गया है सब कपड़ा सब में, हैंडमेड है सारा, ये सारा जो भी है यहाँ पर हैंडमेड है। आप देख सकते हैं इधर पर्स वर्स है,
लेडीज पर्स, जेंट्स वॉलेट, बेल्ट, बैग सब है, कितने का वो सब झोला है, बैग। और इधर साड़ी है, आप देख सकते हैं अलग अलग रेट में यहाँ पर साड़ी अच्छा अच्छा मिल जाएगा आपको। और इधर फिर से यहाँ पर लेडीज के लिए ज्वेलरी आइटम सब है। और इस तरफ फिक्स प्राइस किया हुआ है, 150 का कुछ है, कुछ 300 का मिल जाएगा, अलग अलग सेट है यहाँ पर। इधर लेडीज के लिए स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी है, कॉस्मेटिक आइटम से जुड़ा हुआ स्टॉल है, ये देख सकते हैं आप। कॉस्मेटिक आइटम पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, अलग अलग डिजाइन का आप देख सकते हैं। और इधर बैग हो गया, फिर से चूड़ी ज्वेलरी ये सब आपको दिख जा रहा है, ये वाला स्टॉल है। इस स्टॉल को अभी नहीं खोला गया है, आप देख सकते हैं। इधर माउथ फ्रेशनर वगैरह है, पाचक चूर्ण ये सब यहाँ पर मिल जाता है। और इधर अचार उचार है, अलग अलग टाइप का अचार सब दिख रहा है आपको। यहाँ पर फिर से एक ज्वेलरी वाला, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाला, साड़ी कुर्ती ये सब है। इस तरफ कुछ मिल रहा है, मैजिक स्प्रे पेन, यहाँ पर कुछ नया देखने को मिल रहा है, बिना पॉलिश का पॉलिश होता है, कोई भी चिकना सामान को चकाचक करेगा मिनट में, पॉलिश लगने जैसा लग जाएगा। फिर यहाँ पर है कपड़ा वगैरह सब है, यहाँ भी साड़ी है। और इधर कुछ घरेलू सजावटी सामान वगैरह सब है, आप देख सकते हैं सजावटी सामान सब है। यहाँ पर आपका कुर्ती उड़ती है कपड़ा में, इस तरफ साड़ी का एक स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो स्टॉल लगाते हैं ये अलग अलग राज्यों से आते हैं, झारखंड के अलग अलग कोना से ये लोग आते हैं और इस तरीके से एक जगह पर अपना अपना स्टॉल लगाते हैं। और ये 7 दिन 10 दिन इस टाइप का मेला जो है लगता है, एक प्रदर्शनी कह सकते हैं आप, जहाँ पर एक ही जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ कितना अच्छा अच्छा चीज़ सब है। यहाँ पर इस स्टॉल में सारा लकड़ी का ही चीज़ दिख जा रहा है, सजावटी से लेकर ज़रूरत का सामान सब भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। इधर कपड़ा सबका यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। और इस तरफ आपको अलग अलग डिज़ाइन के कप सब देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर कप है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग प्राइस रेंज का यहाँ पर कप है। इसके अलावा आपको जो चीनी मिट्टी का बना हुआ कप सब के अलावा बॉल है, प्लेट है, डिजाइनर, तो ये सब भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं साड़ी का स्टॉल है यहाँ पर, एक ये हो गया साड़ी का स्टॉल। फिर इधर आयुर्वेदिक चूर्ण और गोली उली सब है, ये अचार का और एक स्टॉल है यहाँ पर। इधर फिर से एक कपड़ा का स्टॉल है, सारा खादी उदी का यहाँ पर दिख रहा है, बैग सब है काफ़ी अच्छा अच्छा देख सकते हैं कितना डिज़ाइन यहाँ पर किया गया, हैंडमेड बैग, डिजाइनर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा हीटिंग पैड, हॉट पैक, ये सारा बहुत सारा चीज़ यहाँ पर ज़रूरत से जुड़ा हुआ सामान, यूटिलिटी, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिल जा रही हैं। इस तरफ है गॉगल्स, चश्मा, आप ले सकते हैं चश्मा वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा अलग अलग डिजाइन का। और ये देखिए यहाँ पर है खादी का और एक कपड़ा का स्टोर है, इधर फिर से खादी का ही और एक स्टोर है यहाँ पर, जिसमें आपको बंडी, कुर्ता, शर्ट ये सब दिख रहा है, सब सिल्क और खादी का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कपड़ा का जो भी स्टोर सब है। काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पर अलग अलग सामान सब आपको मिल जाएगा। देखिए इतना सारा स्टॉल है, आपको यहाँ पर समय निकाल के आना होगा घूमने के लिए। ये सब खादी का तौलिया और यहाँ पर है और एक स्टॉल सिल्क खादी का, ये लेडीज वाला आइटम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है वॉल माउंट शू कैबिनेट है, यहाँ पर जूता वूता रख सकते हैं आप और ये मुड़ जाता है, इस टाइप का मुड़ जाता है, ये वाला स्पेस कम लेगा, रख के इसको मोड़ के छोड़ दे सकते हैं घर का किसी कोना में जूता चप्पल रखने के लिए। इधर काफ़ी बड़ा स्पेस में आप देख सकते हैं कारपेट ऊपर बिछा कर यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी इसको लगाया गया है 10 से लेकर 19 जून तक का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेज है, कुछ प्रोग्राम वगैरह का आयोजन यहाँ पर होता है। और ये स्पॉन्सर है, ये जो मेला है आप कह सकते हैं व्यापारिक मेला, तो ये स्पॉन्सर किया गया, प्रायोजित किया गया है डेवलपमेंट कमिश्नर, विकास आयुक्त, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है छोटा नागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी, हवाई नगर रांची, झारखंड की ओर से। तो गांधी सिल्क बाजार 10 जून से लेके 19 जून तक का यहाँ पर अगर टाइमिंग है, परफॉर्मेंस स्टेज पे देना चाहते हैं तो स्टेज के सामने आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। इधर खाने पीने का स्टॉल चल रहा है, चलिए थोड़ा सा इस तरफ और जा लेते हैं, हमको इतना लंबा वीडियो हो रहा है आप देख सकते हैं, वीडियो लंबा जरूर हो जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर दिख रहा है सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़ा का स्टोर है, इस तरफ अलग अलग आप देख सकते हैं, बैठने के लिए सोफा सेट वगैरह रखा हुआ है, काफी अच्छा अच्छा डिजाइन आपको दिख रहा होगा। चलिए इस तरफ आगे बढ़ता है, ये कपड़ों का स्टॉल है गांधी सिल्क बाजार के स्टेज पे, यहाँ पर क्या है देखते हैं, रखा गया है जो भी कोई, ये लॉटरी है, लॉटरी भी आप खेल सकते हैं, प्राइज इधर रखा हुआ है, देखिए ट्राय कीजिए, नहीं अभी नहीं करेंगे, तो आप लॉटरी भी खेल सकते हैं हाथों हाथ, अगर आप का लक ठीक रहा तो जीत सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जड़ी बूटी वाला है, और इधर है, इधर शर्ट उट है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरफ जूस वूस बनाने का मशीन सब है, ये आप गैस चूल्हा में कुछ आप जलाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको इसको लगकर आप जला सकते हैं, ये वाला को, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर है। इस तरफ आइए और क्या क्या है आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके का यहाँ पर चीज़ें हैं, ये लेकर जिनको आप पीछे बैठ सकते हैं, इसमें लाइट वाइट लगा हुआ है किस तरीके से, तो हेल्थ और फिटनेस से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट सब यहाँ पर है आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ एक स्टॉल है धर्मा स्पिरिचुअल ब्लॉसम्स करके है, तो यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह है, काफ़ी अच्छा सेंट उंट जो है देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है,
अलग अलग किस्म का जो है अगरबत्ती, और जिसको आप स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इधर कपड़ा है और इस तरफ आपको फिर से खुला स्टोर लगा हुआ है। यहाँ पर बर्तन वर्तन का आप देख सकते हैं कितना सारा, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटता है शाम के टाइम में यहाँ पर। इमरजेंसी लाइट वगैरह है यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह का लाइट और भी घरेलू उपयोग की चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नट बोल्ट खोलने के लिए अलग अलग कलेक्शन यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अलग अलग नट को खोल सकते हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये वाला हम देख सकते हैं आप, कुशन उशन है, कुशन कवर अलग अलग साइज़ का मिल जाएगा, उसमें सारा हाथों का काम किया गया है। इस तरफ फिर से एक कपड़ा का स्टॉल है, बारिश की वजह से ढकना पड़ रहा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा है। अभी लगभग मानसून का प्रवेश हो चुका है झारखंड में, और ये आप देख सकते हैं ये और एक स्टॉल है यहाँ पर। अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर अलग अलग स्टॉल में देखने को मिलेंगी, और एक ही जगह पर इतना सारा सामान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस मेले में। आप देख सकते हैं यहाँ पर साड़ी वगैरह की खरीदारी चल रहा है ये सब, और इधर है आपका आदिवासी जड़ी बूटी है, और इधर आप देख सकते हैं बहुत सारा सा यहाँ पर सजावटी चीज़ सब यहाँ पर दिख जा रहा है। घर में सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला चीज़ सब आप देख सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन का यहाँ पर है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इनको खरीद भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यह सब। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आकर्षक डिज़ाइन बना हुआ है देख सकते हैं आप। जिनको घर में सजावट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, पानी उनी का फवारा सब है यहाँ पर, आप देख सकते हैं आगे इतना अच्छा बना हुआ है। ये अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, इधर और भी अलग अलग तरह का डिज़ाइन सब बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। फवारा पानी भी लगा हुआ है यहाँ पर। चीनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें आप देख सकते हैं सजावटी, घर में आप सजावट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है ये सब को खरीद के, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप अलग अलग डिज़ाइन का, यहाँ पैसा रखने का जो गुल्लक है अलग अलग डिज़ाइन का है, कप है, बॉल है, चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं, इधर अचार है, और इस तरफ मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड झारखंड सरकार का ये वाला स्टॉल लगा हुआ है, लकड़ी वाला यहाँ पर चीज़ें बना हुआ है, बांस का चीज़ से बना हुआ है। बांस का अलग अलग सजावटी सामान बना हुआ है, और आप देख सकते हैं इधर भी लकड़ी का बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है, घरेलू उपयोग से जुड़ा हुआ, उसके अलावा सजावटी वाला सामान है। इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन का घड़ी सब है आप देख सकते हैं, मिरर है, और लकड़ी का बना हुआ ये सारा चीज़ है आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैसरोल है, हॉट पॉट बोलते हैं, जिसमें आप रोटी वगैरह को खाना को गर्म रख सकते हैं ढक के, बाहर से लकड़ी का बना हुआ है, और अंदर जो है इसमें स्टील का है। इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, सजावटी जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर है, पूरा अलग अलग तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है।
बनारसी पान भंडार देख सकते हैं आप। यहाँ पर अलग अलग किस्म का पान आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, पान है अलग अलग जगह का, बनारसी पान लिखा हुआ है। और ये जो व्यापारिक मेला है गांधी सिल्क बाज़ार, उसका इस वाला हिस्सा में इधर आपको खाने पीने का चीज़ भी मिल जाएगा। एक साइड में इसमें खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है कि जो भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो उनको अगर भूख लगता है तो वो घूमते घूमते थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, आइसक्रीम और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर खा पी सकते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस तरफ ले जाकर। खाने पीने के स्टॉल इस साइड लगा हुआ है, उनमें लोग ख़रीदारी के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों का इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बैग है, लेदर वगैरह का आइटम सब है, आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग। इधर फिर से कपड़े हैं, कपड़ों का स्टॉल है, ये लेडीज आइटम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कपड़ा वगैरह है। सबसे ज़्यादा जो स्टॉल हमको यहाँ पर दिख रहा है वो कपड़ों का स्टॉल दिख रहा है, और ज्वेलरी वाला, अलग अलग ज्वेलरी का स्टॉल भी है। इधर इस तरफ बैग है, आप देख सकते हैं अलग अलग जूट वगैरह का बना हुआ, बहुत ही अच्छा अच्छा बैग सब दिख रहा है, जूट का बना हुआ बैग है, डिज़ाइन किया हुआ काफ़ी अच्छे से। चलिए फिर इधर देखते हैं, ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा बैग सब है जूट का, ये सब भी जूट का बैग है, सब हाथ से बना हुआ है। ये सारा जो भी दिख रहा है सब हाथों का काम किया हुआ है इसमें। कहाँ से लाए हैं ये वाला स्टॉल, कहाँ से लाए हैं स्टॉल, कहाँ से आप? शांति नगर, रांची का ही, ये रांची का स्टॉल है। तो अलग अलग जगह से स्टॉल सब आया हुआ है, कुछ रांची का भी मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कपड़ा है, सूट वगैरह है लेडीज लोगों का, इस तरफ बेडशीट वेडशीट है, और इधर फ्लावर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग सजावटी फूल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये बना हुआ है नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, कलर से लेके ये जो मटेरियल यूज हुआ है ये सारा नेचुरल है, यहाँ पर नेचुरल चीज़ों से इतना अच्छा अच्छा यहाँ पर फूल बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये सब जो है अब देखने से नहीं लग रहा है, कलर वगैरह जो भी है सारा ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट है ये सब, और बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब फूल, देखकर नहीं लग रहा है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये सब में क्या क्या चीज़ यूज किया जाता है बनाने में? लकड़ी का है ना, तो दिखने में एकदम नहीं लग रहा है लकड़ी का बना हुआ है, पतला पतला बांस लकड़ी ये सब का यूज करके इतना अच्छा अच्छा कलर भी देख सकते हैं, कलर भी कर दिए। चलिए और इधर बढ़ते हैं, इधर क्या है, इस साइड बेडशीट वगैरह है, और इधर फिर कपड़ों का स्टॉल है, अलग अलग टाइप का प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग राज्यों का यहाँ पर जो स्टॉल लगाया जाता है उनमें अलग अलग राज्यों का जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका कुर्ती वगैरह है, इधर भी कुर्ती का ही स्टॉल दिख रहा है, और इस साइड लकड़ी का, हमको फिर सुबह दुकान, अभी दुकान बंद करके लॉकेट है चाबी का, घुमा रहे चूड़ी है, इधर बैग है, काफ़ी अच्छा अच्छा बैग दिख रहा होगा आपको, जूट का बैग, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ बैग सब है, देख सकते हैं आप। लेडीज पर्स है, छोटा वाला बैग है, बहुत ही अच्छा अच्छा दाम का है। ये सब क्या प्राइस है, छोटा वाला, ये वाला का प्राइस
150 का है ये वाला, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जूट का बना हुआ है सब। इधर कपड़ों का ही है और एक स्टॉल आगे, यहाँ पर बांस से बनी हुई चीज़ें, आइए दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, बांस से बना हुआ चीज़ सब है, और देख सकते हैं आप डिज़ाइन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। चूप उप है, देख सकते हैं आप बांस का ही बना हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से और काफ़ी मेहनत किया गया इसको बनाने में, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। ये सब है हैंग करने का है, जिस तरीके से लाइट वगैरह लगा के इसको टांगने से ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। स्टॉल नंबर 33 में यहाँ पर मिल जाएगा, और रखने के लिए भी ये देख सकते हैं आप, लालटेन का डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है, और ये सब बॉक्स वॉक्स है यहाँ पर। बांस का बहुत ही अच्छा अच्छा सामान बनाया गया है, इधर बैग वग सब है, बैग है, और इधर अलग अलग पेंटिंग दिख रहा हमको, पेंटिंग का ये स्टॉल लगा हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग सब है, यूनिक यूनिक पेंटिंग दिख जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं ये है अलग अलग ऑर्नामेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब अलग अलग यूनिक यूनिक डिज़ाइन का यहाँ पर ज्वेलरी है, और इस तरफ कपड़ा का है, बेडशीट वगैरह बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन में है। इधर लेडीज़ का कपड़े वगैरह है, यहाँ पर इमली महुआ चारों चार है, जामुन का, और यहाँ पर है पेंटिंग वगैरह है, फोटो फ्रेम किया हुआ है, यहाँ पर सजावटी सामान सब है, यूनिक यूनिक डिज़ाइन दिख जाएगा। ये सब देख सकते हैं डिजाइन सब कैसे दिख रहा है, हाँ, और इधर भी है कुछ, देखने में नहीं लग रहा है, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट का बना हुआ है, कलर वलर लगा के काफ़ी अच्छा दिख रहा है सजावटी सामान सब। और इस तरफ जूता चप्पल वाला है, जूती अलग अलग डिजाइन का, इधर लेडीज लोगों के लिए स्टॉल लगा हुआ है, ये कपड़ा का स्टॉल है, और यहाँ पर है शर्ट वगैरह, ये कपड़ों के लिए है ये वाला, साड़ी का, बेडशीट का, मतलब ये जो मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर आपको अनेकों स्टॉल मिलेंगे, कपड़ा से लेके किचन वाला आइटम, बैग, सजावटी सामान, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक ही जगह पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं लेडीज लोगों के लिए काफ़ी सारा श्रृंगार का आइटम सब है। चलिए इस तरफ चलते हैं फिर, वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो ये लगा हुआ है इसको कवर करने का। यहाँ पर फिर से वही लेडीज लोगों का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा अलग अलग ढंग का सजावटी चीज़ें यहाँ पर हैं, कपड़ा का है, और ये वाला स्टॉल में हमको बहुत ही अच्छा अच्छा बैग्स डिज़ाइन से बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा काम किया गया है इस सब में, आप देख सकते हैं। दीवार पे भी लगा सकते हैं ये सब हैंग करके, बहुत अच्छा दिख रहा है, सारा हाथ से बना हुआ है ये सब, बहुत मेहनत करके बनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना अच्छा से ये सबको बनाया गया है।
पूरा इस स्टॉल में आपको इस टाइप का चीज़ सब मिलेगा, पर्स वगैरह मिल जाएगा। सब पे कुछ ना कुछ मेहनत किया गया है, हाथों का काम किया गया है। तो लेडीज लोगों का स्टॉल सब है, और यहाँ पर फिर कपड़ों का स्टॉल है। ये वाला भी अलग अलग स्टेट से आया हुआ, अलग अलग डिजाइन का कपड़ा सब यहाँ पर है। इस तरफ यहाँ पर भी कुछ कपड़ों का स्टॉल है, आप देख सकते हैं। ये वाला में भी कपड़ा वाला स्टॉल है यहाँ पर। और यहाँ पर बैग हो गया, जूट का बना हुआ बैग सब काफ़ी अच्छा अच्छा है। ये बांस का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया, आप देख सकते हैं। तो अलग अलग किस्म का जूट का कलरफुल और बांस वगैरह का यूज किया हुआ बैग सब यहाँ पर मिल जाएगा, थर्मस वर्मस टांगने का। यहाँ पर मोती सब दिख जा रहा है हमको बहुत सारा, आप देख सकते हैं। सजावटी चीज़ें भी है यहाँ पर, और इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं लेडीज लोगों के लिए सारा। यहाँ पर भी कपड़ा है, ये स्टॉल में कपड़ा का है। इधर देख सकते हैं जूट का चीज़ें, और ये सब जूट वगैरह का बना गया है, जूट का ही वॉल हैंगिंग है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कितना प्राइस का है ये सर? 1350 का, 1350 रुपये का जूट का बनाया हुआ है, कलर करके जूट को। जूट को भी कलर किया जाता है अलग अलग, हाँ अलग अलग वॉल हैंगिंग है यहाँ पर, देख सकते हैं छोटा बड़ा। जूट को ही कलर करके बनाया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर ब्यूटीफुल। इधर कपड़ा का स्टॉल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी कपड़ा का ही स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ दिख रहा है हमको, फिर ये सब बांसुरी है, लकड़ी का बना हुआ बैग पास छोटा छोटा, यूनिक यूनिक डिजाइन वाला चीज़ सब यहाँ पर एक ही तो मार्केट में देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर भी लकड़ियों का बना हुआ चीज़ सब है, खिलौना वगैरह है, देख सकते हैं आप छोटा छोटा यूनिक यूनिक चीज़ है यहाँ पर ये वाला स्टॉल में। और इस तरफ लकड़ियों का है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जो है छोटा छोटा आप देख सकते हैं भगवानों का, जो अलग अलग छोटा छोटा मूर्ति बना हुआ है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। शंख बना हुआ है इतना बड़ा सा, आप देख सकते हैं। और शंख में भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ का यहाँ पर कलाकृति किया गया है। ये गणेश जी का छोटा सा है, दीवार पे लगा सकते हैं। इधर कपड़ों का स्टॉल है, यहाँ पर भी कपड़ा का स्टॉल सब है। इधर फ्लावर वाला है, चलिए इस तरफ चलते हैं अब आगे। यहाँ पर पेंटिंग वगैरह है अलग अलग किस्म का, यहाँ पर अच्छा अच्छा पेंटिंग वॉल डेकोर के लिए आप घर पर लगा सकते हैं, साइज के हिसाब से प्राइस पड़ जाएगा। और सारा ये सब में हैंडमेड है, ये जो पेंट किया गया है ना आप देख सकते हैं, इसको हाथों से पेंट किया गया है, तो कितना मेहनत लगा होगा आप देख सकते हैं इसमें। इस तरीके का सारा पेंटिंग सब है यहाँ पर। ये यहाँ पर चूड़ी वगैरह है, लेडीज का यहाँ पर आइटम सब है, लेडीज का स्टॉल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसे भी ख़रीदारी महिलाएं ज़्यादा करती है, और इस वजह से ये सब आप देख सकते हैं। यूनिक यूनिक डिजाइन का हैंडमेड चीज़ें हैं, और इधर भी काफ़ी सारी सजावटी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी पेंट है, पेंटिंग किया हुआ है, तो बहुत बारीक पेंटिंग किया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको
ये जो छोटा छोटा बना हुआ है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनाया गया है, अलग अलग जगह का अलग अलग पेंटिंग होता है। कई जगह जो है अपना पेंटिंग के लिए खासियत है, जैसा कि मधुबनी पेंटिंग होता है वो बिहार का, तो वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इधर कपड़ा का स्टॉल लगा हुआ है, आज थोड़ा भीड़ कम है, और ख़ास करके रांची में जिस तरीके का इन्वायरमेंट अभी है उस वजह के, वो भी एक रीज़न है, वो भी एक कारण है। इधर कपड़ा का स्टॉल है, यहाँ भी कपड़ा का स्टॉल है, इधर कारपेट वगैरह आपको दिख रहा होगा, आप घर के लिए अलग अलग साइज का कारपेट ले सकते हैं। यहाँ पर बैग सब है, आप देख सकते हैं बैग, कपड़ा, ये सब स्टॉल आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, और यूनिक यूनिक डिज़ाइन मिल जाएगा हर एक चीज़ में। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पिलो कवर वगैरह है, और यहाँ पर ज्वेलरी कुछ, यहाँ पर ज्वेलरी बिक रहा है, कपड़ा का स्टॉल है। ये लाइट सब काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इधर बिरसा मुंडा भगवान का प्रतिमा बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। पर भी अलग अलग यूनिक यूनिक चीज़ें आपको दिख जाएंगी, लकड़ी का बना हुआ। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सब डिज़ाइन है, ये सारा लकड़ी का कटिंग करके और इस पर पेंट करके बनाया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब इस स्टॉल में सारा चीज लकड़ी का है, सारा लकड़ी का स्टॉल है, बहुत सारा यूनिक यूनिक चीज़ सब आपको यहाँ पर दिख जा रहा होगा। अभी कुछ ऑर्नामेंट वगैरह है, बेडशीट, और इधर आप देख सकते हैं सजाया गया है, बर्तन गिलास ये सबको अलग अलग सजावट यहाँ पर बनाया गया है, डिज़ाइन में तब्दील किया गया है। इधर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इधर ये, और इस तरफ देख सकते हैं सजावटी है, ये सब बेडशीट है और कपड़ा है, बहुत ही डिज़ाइन वाला बेडशीट सब है यहाँ पर। इसके अलावा इधर रेडिकल आइटम है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, सजावटी बैंगल उंगल है, चूड़ी उड़ी है अलग अलग डिज़ाइन का, और इस तरफ लकड़ी का बना हुआ है चेयर बैठने के लिए, आप देख सकते हैं यूनिक डिज़ाइन में टेबल उबल है, फोल्डेबल टेबल। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये सब वो लकड़ी का ही बनाया हुआ है, उसको लकड़ी को तराश कर उसमें काट कर ये सारा चीज़ यहाँ पर बनाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, लकड़ी का बना हुआ अलग अलग आइटम से। इस तरफ चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है, इधर और भी स्टॉल सब है, यहाँ पर ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह है लेडीज लोगों के लिए, आप देख सकते हैं कितना सारा है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर। इधर कपड़ा का स्टॉल है, कपड़ा, जूती, घरेलू ज़रूरत के सामान। मौसम बिल्कुल साफ नहीं है यहाँ पर, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं लोग छाता लेके भी स्टॉल में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके का ये जो है लगा हुआ है गांधी सिल्क बाज़ार के नाम से, ये वाला लगता है, अलग अलग जगहों में लगाया जाता है जहाँ पर एक साथ कई स्टॉल लगते हैं और लोगों को मनोरंजक कार्यक्रम के साथ साथ खरीदारी करने का मौका मिलता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पूरा एक बाज़ार का माहौल यहाँ पर रहता है, काफ़ी बड़ा, तो भीड़ अभी उतना नहीं है,
हो सकता है आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर और भी कुछ लगा हुआ है, चलिए देखते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन कैंप है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून 2022 के अवसर पर विशेष उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप है MSME विकास संस्थान की तरफ से रांची। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है आकर, आप अगर कोई एक छोटा उद्योग चलाते हैं तो उसको रजिस्टर कर सकते हैं सरकार के MSME डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये पूरा मेला है, एक व्यापारिक मेला आप बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, मनोरंजन के साधन हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम अभी आ चुके हैं बाहर और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।